हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी आज दोपहर का समय हो रहा है, अभी नहा के आए हैं। जब तक नहाओ नहीं और फ्रेश फील ना करो और बाल नवर, बिना नहाए तो बाल भी बनाने का मन नहीं करता है। कभी कदार का अलग होता है, लेकिन वैसे तो ज़्यादातर मेरी बिंदी उतरी रहती है। जब नहाते हैं, नहा के आके अगर क्रीम लगाएंगे उसके बाद ही बिंदी लगाते हैं। अभी नहा के आए तो फिर तैयार भी हो गए। ठंडी बहुत ज़्यादा है आजकल। तो नहाने का पहले तो सुबह उठो तो लगता है आज नहीं नहाएंगे, आज अच्छे से नहीं नहाएंगे, और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उठ जाओ, काम करने लग जाओ तो फिर हो जाता है। इधर भी तो सबसे ज़्यादा देर में मैं ही नहाती हूँ, क्योंकि पूजा तो जब से तबीयत ख़राब हुई अभी पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दवाई भी लेना रहता है। तो सुबह उठ के अपना नाश्ता वाता करने के बाद दवाई ले लेते हैं, फिर जैसे मौका मिलता है तो फिर नहाते हैं। ऐसे समय नहाते हैं ताकि धूप निकला रहे, तो जाके थोड़ी देर छत पे बैठ जाते हैं। आज तो छुट्टी थी, आज यहाँ पे मोदी जी और योगी जी आए हुए हैं। हाँ, अभी दोपहर हो रहा है तो 12:30 बजे आने का समय था। आने वाला तो देखे थे न्यूज़ की, आ गए एयरपोर्ट पे, आए थे वहाँ से। अब यहाँ पर एक परेड ग्राउंड के कहाँ है गंगा जी के पास, वहाँ पे अभी आने में उनको समय लगेगा। तो आज दोपहर के खाने में बना है तहरी। चाँ हो गया होगा क्योंकि नहाने जा रहे थे, तो बनाए तो हम ही हैं। मम्मी भी थोड़ा बहुत, भाई बिल्कुल तो पूरा तो कर नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा देर तक खड़े होते हैं तो कमर में दर्द होने लगता है, कमर का ही दर्द बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो जितना देर खड़े हो पाते हैं करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इंडक्शन पे प्रेशर लगा के फिर चले गए थे, तो मम्मी हटाई होंगी। अभी चलते हैं। आज नाश्ते में कुछ खास नहीं था क्योंकि आज छुट्टी थी, तो सब लोग लेट उठे हैं, तो इसीलिए खाना जल्दी है कि खाना जल्दी खा लें। जब नाश्ता है भी नहीं करे रहो तो फिर खाना जल्दी भूख भी लग जाती है, अगर नाश्ता है भी कर लो तो फिर दोपहर के खाने में बिल्कुल आलस हो जाता है, जल्दी खाने का मन नहीं करता है। तो अभी चलिए, सब लोग बुला रहे, इंतज़ार कर रहे हैं मेरा ही, क्यों निकालते मैं ही, मतलब निकालती मैं ही हूँ, क्योंकि बराबर बराबर जल्दी जल्दी निकाल के जिसको जितना देना है, चाहे देव में रहता है, देव में ना गाजर चाहिए, ना शिमला मिर्च चाहिए, ना मटर चाहिए, ना गोभी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, आलू बस छोड़ के। तो कोशिश करते हैं, बाकी पूरा तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जितना निकाल पाते हैं। ओम को तो बस गोभी से है प्रॉब्लम, बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो वही सब सबका निकाल देते हैं सबके पसंद के हिसाब से। अब ऐसे है कि देव को अगर सब कुछ निकाल देंगे तो ऐसा नहीं कि खाता नहीं है, हम लोग खिलाएंगे तो खा लेगा, अपने से नहीं खाएगा, खुद से उसको खाना है। अगर खुद से देना है कि खुद से खा ले, तब तो सब कुछ निकाल के देना पड़ता है। तो सोचते हैं ज़्यादातर कि दे दें, खुद ही से खाए। चलिए पहले अभी तहरी निकाले, सब लोगों को दे दिए हैं तहरी निकाल के, अपना निकाल लिए हैं। और तहरी में मम्मी हैं तो न्यूट्रीनिगेट नहीं डालते हैं, क्योंकि मम्मी न्यूट्रीनिगेट नहीं खाती हैं, उनको न्यूट्रीनिगेट में भी चिकन की फीलिंग आती है। न्यूट्रीनिगेट हो, पनीर हो, तो कुछ भी नहीं खाती हैं। जितनी मदद दी गई बीते 7 साल में, उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है, 13 गुना बढ़ोतरी। शाम का चाय बना रहे हैं, चाय भी चढ़ाए हैं यहाँ पे। ये घी का बनाना है, कल बनाए थे इसका, वो क्या कहते हैं, घी बनाए थे तो इसका खुरचन रखा हुआ है, तो अभी घी में आज पे चढ़ा दिए, तो चाय पी लें फिर ये करेंगे। मेथी के पराठा की भी देखिए तैयारी हुई है, साग काट के अभी रखे हैं, काट के कह रहे हैं, धो के रखे हैं कि चाय पी लें फिर मेथी को काटेंगे। चाशनी बन गई है, चाशनी में ही वो ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बस इसी में खोआ और मेथी
सब्जी का पराठा बनाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। बैक कैमरा से दिखाते हैं क्योंकि ऐसे कैमरा से ना साफ नहीं दिखता। ये है, इसमें प्याज को चॉप कर लिए, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा और कचौड़ी मसाला, नमक, अजवाइन, मंगरेल, इसको थोड़ा सा बारीक बिल्कुल काटे हैं, थोड़ा सा बस गरम मतलब कर लिए हैं। चटनी भी पीस लिए हैं, टमाटर, मूली, धनिया, मिर्चा का चटनी भी है, लहसुन भी है उसमें, लहसुन, नमक, सब तैयारी कर लिए हैं। बस अब आटा तो खैर मुझे लगाना नहीं है, तो मम्मी को देखिए करने को तो इतना भी नहीं करना है, लेकिन वही है ना कि मुझसे रहा नहीं जाता आटा, तो अभी इतना आटा भारी पड़ जाएगा, इसके आटा थोड़ा सा और ज़्यादा कड़ा रहता है, तो आटा अभी मम्मी लगा देंगी। अभी आ गए हैं लेट में, काफ़ी थक गए, मिठाई लेके आए हैं, पानी पी गए, पानी आजकल आलस हो जाती है, जब पीते हैं तो दो गिलास इकट्ठे पी लेते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद छोड़ देते हैं, एक घंटा बाद पियेंगे, लेकिन ले जाते हैं, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले पिए थे, अभी कहे एक बार और पी ले, फिर खाना खाने का फिर समय हो जाएगा। वास्तव में ये मिठाई इतनी अच्छी लगती है, थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, बस वही खोआ बनाने में जितना समय लगता है, बाकी चाशनी बनाने में या गरी ये सब रहते में उतना समय नहीं लगता, खोआ बनाने में जितना लगता है, लेकिन ये भी रहता है कि 10 दिन पे एक घर की भी मिठाई अच्छी खासी 1.5 किलो के लगभग में हो ही जाता है, सब मिला के देखिए तो वज़न करिए तो लगता है कि 1.5 किलो तो हो ही जाता होगा। बच्चों को मेरे बहुत पसंद, मेरे देव नहीं खाते थे पहले, लेकिन अब वो भी खा लेते हैं। जा रहे, थोड़ी देर लेटेंगे, अभी बज रहा 8 बज रहा है, अभी आटा लगा दिए मम्मी, तो फिर थोड़ा देर छोड़ने के बाद सेकेंगे, देखेंगे मम्मी भी सेक देंगे, इसमें कुछ भरना वरना तो है नहीं, और फिर ये भी लगता है ना मम्मी मेरी काम करती है, तो मुझे काम कराने में बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, और ये भी हो गया ना, एक बार का ऑपरेशन हुआ होता है ना तो थोड़ा सा सही हो गया, तो 2-2 बार 10 दिन के अंदर में काफ़ी वीकनेस हो गई है, वो तो मुझे लेटने की आदत नहीं है, इसलिए ये तो जितना कष्ट है उतना में भैया सुबह से उठ जाते हैं ना, तो सुबह ही थोड़ा देर में करके उठते हैं, वो भी सुबह देव को तैयार करते ही हैं, देव को तैयार करने के बाद बिस्तर पे ही बैठे बैठे सब्जी लेके काट लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, फिर कभी कभी लगता है कि नहीं चलो इसको चौक काटते हैं, तो फिर लगता है चलो लगे हाथ इसको चौक भी दे, सब्जी भी बन जाए, रोटी का काम तो खैर नहीं करते क्योंकि खड़ा भी होना पड़ता है और आटा भी गूंथने लायक अभी है नहीं, हम दोपहर में भी तैयारी कर देते हैं जितना होता है। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पराठा मम्मी कह रही थी, मम्मी बेल दे रहे हैं, तो वही बेल रही हैं, यहाँ पे मिस्टर पानी भर रहे हैं, एक्वागार्ड से पानी भर के बोतल में अपना रखते हैं, स्कूल जो ले जाते हैं, फिर ओम के भी थर्मस में भर के रखते हैं, पानी का काम इन्हीं का होता है, चाहे मोटर चला के पानी भरना हो चाहे एक्वागार्ड का हो, वही करते हैं। इधर हम पराठा सेक भी ले रहे थे, सेक के सबको लगभग दे दिए थे, बाद में 2-4 तो बच गया था, तो फिर जाके लेट गए थे कि चाय चढ़ा के फिर जाके लेट गए थे। अभी बच्चों के लिए ले जाते हैं, बच्चों को देते हैं, फिर इनके लिए भी दे देंगे, ये लोग खा लें, फिर हम लोग बाद में खाएंगे। अभी बच्चों को दिए हैं, देखिए देव के खाने का तरीका, वो पराठा को तोड़ तोड़ के उठा के खेलेगा, फिर डांटेंगे तब मुँह में डालेगा। चाय चढ़ा दिए हैं क्योंकि मेरी मम्मी से ही हम भी सीखे हैं, बिना चाय के वो कोई भी चीज़, वही शुरू में जब शादी से पहले जो भी कुछ बनता था तो
चाहे अजवाइन का पराठा बने, मेथी का बने या प्याज का बने, कुछ भी बने, या आलू का पराठा, ज़्यादातर तो आलू का पराठा है, या सातू मतलब सतुआ की बाटी है, ऐसे कुछ भी बने, तो मतलब चाय बिना ये नहीं मम्मी खाती थी, तो मेरी भी आदत वही पड़ गई है। चाय चढ़ा दिए हैं, एक दो ठो बचा हुआ है तो बना ले, तब तक चाय भी हो जाएगी तो हम और मम्मी साथ में खाएंगे। इन लोगों को भी दे दिए हैं, खा रहे हैं, नहीं लगा बच्चों को तो चटनी चाहिए नहीं, क्या ठंडी बहुत बढ़ गई। और ये मुझे कान बिना ढके, मुझे कान में और पैर में मोजा भी दिन रात पहने रहते हैं, काम जब काम नहीं रहता है मतलब, तो मोजा पहने ही रहते हैं। ज़्यादातर मोजा तो ऐसा रहता है कि गीला ही हो जाता है, तो सुबह नहीं पहन पाते क्योंकि दोपहर पर मैं कपड़ा धुलना चाहे कुछ भी करना, बाकी शाम से पहन ही लेते हैं। अभी तो इसके ऊपर भी एक और जैकेट भी डाल लेते हैं, लेकिन कमरे में है, ठंडी उतनी नहीं लग रही है, तो बाहर काफ़ी ठंडा है। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक कर दिया, मतलब लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि अच्छा लगता है, अगर लाइक ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।